बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ डो की रेसिपी, समोसा डो। आप इसे समोसा डो बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल डो बना सकते हैं, एज़ वेल एज़ कचौरी डो भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 से 2.5 कप मैदा, और इस पर मैंने लिया है ऑयल और सॉल्ट। सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, हसबे ज़रूरत आप इसमें नमक ऐड कर लें। और ऑयल जो है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 टेबलस्पून। इसमें इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये ऑयल और नमक जो है ये अच्छे से सारे मैदे में मिक्स हो जाए। आप मैदे की जगह सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है इसमें, और साथ साथ इसे इस तरह मिक्स करते जाना है। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। जब आपको लगे कि आपका हाथ जो है वो ड्राई हो रहा है, आपका हाथ खुश्क हो रहा है, तभी आप इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करें। इस तरह से देखेंगे एक बॉल फॉर्म में बन गई है डो। और अब मैं इसके ऊपर एंड में, मेरे पास ये 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल था, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसे साथ साथ भूनती जाऊँगी इस डो में। परफेक्ट डो बनाने की टिप यही है कि जब आपको लगे आपका हाथ ड्राई हो रहा है, आप सिर्फ तभी उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। अक्सर ये होता है या डो बहुत सॉफ्ट हो जाती है या बहुत हार्ड हो जाती है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि उसमें पानी जो है या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ऐड हो जाता है या फिर पानी जो है वो बहुत कम ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी डो परफेक्ट नहीं बनती। तो जब आपको लगे कि आपके हाथ अब बहुत स्टिकी हो रहे हैं, तभी आप उसमें थोड़ा सा पानी आप उसमें ऐड करें और उस डो को आप अच्छे से नीट करें जब आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो। तो इस तरह से मैंने ऑयल के साथ भी इसे अच्छे से गूंद दिया है। और अब मैं एंड में इसके ऊपर अच्छे से ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी, इस डो को ग्रीस कर दूंगी ताकि ये सॉफ्ट रहे। इस तरह से आप इसके ऊपर अच्छे से ऑयल जो है वो अप्लाई कर दें। और अब इसे ढक के आप 1 से 2 घंटे के लिए रख लें। कम से कम आपने आधा घंटा तो इसे रखना ही है। और यहाँ पर ये देखेंगे डो जो है ये मैंने 1 घंटे के बाद इसे अपने रोलिंग सरफेस पे रखा है, तो आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। यही टेक्सचर होना चाहिए आपकी डो का। अगर आप पंजाबी समोसा बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन या ज़ीरा ऐड कर लें, ये ऑप्शनल है, मैंने ऐड नहीं किया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।